आज के वीडियो में हम समझेंगे कि लेटेस्ट आईएस कोड 1199 2018 पार्ट 2 के हिसाब से स्लंप कोन टेस्ट कैसे किया जाता है प्रॉपर तरीके से। बहुत कोई इस टेस्ट के बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन न्यू अमेंडमेंट में कुछ चीजें चेंज हुई है जो आपको समझना है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्लंप टेस्ट हम करते क्यों हैं, इसे हम कब नहीं कर सकते, इसे करने से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, इसका रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है, और कैसे हम कंस्ट्रक्शन साइट पे समझेंगे कि स्लंप टेस्ट का रिजल्ट वैलिड है या नहीं। ये सब मैं आज आपको एज पर आईएस कोड जो कि लेटेस्ट है हमारा 1199 2018 के हिसाब से बताऊंगा, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। रेफरेंस के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईएस कोड 1199 2018 के पार्ट 2 का डाउनलोड लिंक पीडीएफ का दे दिया है। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से भी, जो कि है www.learningtechnologyofficial.com। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहले ये वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, चलिए उसका जवाब पहले देख लेते हैं। तो गाइज, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ा देते हैं कंक्रीट में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो रिलेशन होता है वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वाटर सीमेंट रेशियो घटाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ घटेगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो जिन्होंने सही जवाब दिया है बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आपको बता दूंगा, और जो सवाल मैं पूछूंगा वो इस वीडियो में पढ़ाए टॉपिक से ही होगा, इसलिए एक एक सेकंड जरूर देखें और ध्यान से देखें। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दे। तो दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश, और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। स्लंप टेस्ट, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह टेस्ट करते क्यों हैं। इस टेस्ट की मदद से हम कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को निकालते हैं। आसान भाषा में समझे तो इस टेस्ट की मदद से हमारा कंक्रीट वर्केबल है या नहीं, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से वो चेक करते हैं, ताकि कंक्रीट के अंदर कंसिस्टेंसी तब तक बनी रहे जब तक वो आसानी से प्लेस ना हो जाए। इसलिए इसे वर्केबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। हम कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को स्लंप टेस्ट की मदद से तो निकाल ही सकते हैं, उसके अलावा और भी 5 अलग अलग टेस्ट है जिसकी मदद से आप कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को निकाल सकते हैं, जैसे कि वीबी टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट, और लास्ट में है स्लंप फ्लो टेस्ट। इस टेस्ट का यूज हम हाई फ्लुइडिटी कंक्रीट को बनाने के लिए करते हैं। तो मेरे आने वाले वीडियो में मैं सारे टेस्ट को कवर करने वाला हूं एज पर आईएस कोड। आज हम जानेंगे स्लंप टेस्ट के बारे में। स्लंप टेस्ट शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टेस्ट को हम कब और कैसे कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल इंटरव्यू में बहुत बार पूछा भी जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। यह टेस्ट फोम कंक्रीट बनाने के लिए हम प्रेफर नहीं करते हैं, साथ ही जिस कंक्रीट में फाइंस का यूज नहीं किया जाता है उसके लिए भी यूज नहीं करते हैं, और जिस कंक्रीट में एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज 40 mm से ज्यादा यूज किया जाता है उस कंडीशन में भी इस टेस्ट को प्रेफर नहीं किया जाता है एज पर आईएस कोड 1199 2018 पार्ट 2 के हिसाब से। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इस टेस्ट को करने के लिए आपको क्या क्या एपरेटिस की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है मोल्ड। इस टाइप के मोल्ड के शेप को हॉलो फ्रस्टम कहा जाता है, जो कि मेटल का होना चाहिए और इसकी थिकनेस कम से कम 1.6 mm होनी चाहिए। इस मोल्ड के अंदर का पार्ट स्मूथ होना चाहिए। इसके इंटरनल डायमेंशन की बात करें तो इसका बेस का डायमीटर 200 mm, टॉप ओपनिंग का डायमीटर 100 mm और हाइट 300 mm होना चाहिए। इंटरव्यू में यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि इस डायमेंशन में कितना टॉलरेंस अलाउ होता है, तो इसका आंसर है ±2 mm का। यानी कि मान लीजिए हाइट 300 mm एक्चुअल होना चाहिए, लेकिन आपका 2 mm ज्यादा है यानी कि 302 mm है, या 2 mm कम है यानी कि 298 mm है, तो आईएस कोड के अनुसार यह चल जाएगा। इसका रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा आईएस कोड 1199 2018 की क्लॉज 4.3.2.1 में। नेक्स्ट एपरेटस है टैंपिंग रॉड, जिसकी मदद से हम कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करेंगे। इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होना चाहिए और इसकी डायमीटर 16 mm होनी चाहिए।
इसकी डायमीटर के लिए टॉलरेंस है एज पर आईएस कोड प्लस माइनस 1 mm का। इसके लेंथ की बात करें तो वो 600 mm का होना चाहिए और इसके लेंथ के लिए टॉलरेंस है एज पर आईएस कोड प्लस माइनस 5 mm का। ये दोनों टॉलरेंस का रेफरेंस आपको मिलता है आईएस कोड 1199/2018 के क्लॉज 4.3.2.2 में। आप चाहे तो इस टैंपिंग रॉड के ऊपर के पार्ट में कोई प्लास्टिक का कॉन्ड्यूट लगा के बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे टोटल लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्लम वैल्यू को मेजर करने के लिए स्केल चाहिए, एक रिजिड फ्लैट बेस वाला नॉन एब्जॉर्बमेंट प्लेट चाहिए। नॉन एब्जॉर्बमेंट मतलब जो पानी ना सोखे, ताकि उस प्लेट के ऊपर जब हम मोल्ड को रख के कॉन्क्रीट को प्लेस करेंगे तो उसका पानी वो ना सोखे। उसके बाद एक शॉवेल, एक कॉन्क्रीट मिक्सिंग ट्रे जो कि फ्लैट बेस वाला और नॉन एब्जॉर्बमेंट होना चाहिए। इसके साथ ही एक स्कूप और एक वॉच टाइमर भी होना चाहिए। जनरली साइट पे जो कास्टिंग होती है हम कॉन्क्रीट सैंपल वहीं से लेके चेक करते हैं स्लम टेस्ट का वैल्यू, लेकिन अगर आपको जानना है कि स्लम कोल्ड मोल्ड का कॉन्क्रीट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं तो मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, इसे एक बार जरूर देखिएगा। और कॉन्क्रीट वॉल्यूम को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कहां से आता है उसका डेरिवेशन पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरव्यू में यहां से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए जरूर जाके इसको देखिएगा एक बार। अब चलिए स्लम टेस्ट कैसे करते हैं इसका टोटल प्रोसीजर समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको मोल्ड, बेस प्लेट और मिक्सिंग ट्रे को अच्छे से पोंछ लेना है। ध्यान रहे कहीं भी कोई पानी वगैरह ना लगा हुआ हो, यानी कि वो भीगा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसके साथ ही बेस प्लेट और मोल्ड को जहां पे रख रहे हैं वो वाइब्रेशन और शॉक फ्री हो ताकि वो हिले नहीं। उसके बाद जो कॉन्क्रीट सैंपल है उसे मोल्ड के अंदर डालना शुरू कीजिए और टैंपिंग रॉड से टैंप करना शुरू कीजिए। याद रहे आपको कॉन्क्रीट टोटल 3 लेयर में भरना है, यानी कि हर लेयर 100 mm का होगा। ये आपको आईएस कोड 1199/2018 के क्लॉज नंबर 4.3.3 के पार्ट बी में मिल जाएगा। और हाँ, लेयर को 25 बार टैंप करना है। इसका रेफरेंस आपको आईएस कोड के 1199/2018 के क्लॉज नंबर 4.3.3.D पॉइंट में मिल जाएगा। यहाँ से इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि स्लम टेस्ट के दौरान कितने लेयर में कॉन्क्रीट को फिल किया जाता है। बहुत कोई इसका जवाब 4 लेयर देते हैं, लेकिन यह पुराने वाले आईएस कोड में था। न्यू वाले कोड के हिसाब से आप 3 लेयर में कॉन्क्रीट को फिल करना होता है। अगर आप ये क्लॉज का रेफरेंस दे के आंसर देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है और ओल्ड आईएस कोड और न्यू आईएस कोड को कंपेयर करके आईएस कोड में ले जाके मैंने दिखाया भी हुआ है। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको जरूर देखना चाहिए। तो आपको कॉन्क्रीट 3 लेयर में फिल करना है और हर लेयर को 25 बार टैंप भी करना है। टैंपिंग इस तरीके से करना है कि आपका टैंपिंग रॉड नेक्स्ट लेयर में जा सके, यानी कि सेकंड लेयर टैंप कर रहे हैं तो टैंपिंग रॉड फर्स्ट लेयर में जाना चाहिए। उसी तरीके से जब थर्ड लेयर टैंप कर रहे हैं तो टैंपिंग रॉड सेकंड लेयर में जाना चाहिए। इस तरह कॉन्क्रीट को अच्छे से कॉम्पैक्ट करके मोल्ड को फिलअप कर लेना है टॉप तक। टॉप लेयर को प्रॉपर फिल करके उसके ऊपर टैंपिंग रॉड को रोल करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा कॉन्क्रीट सैंपल है वो टॉप से हट जाए और एक प्लेन और यूनिफॉर्म लेयर बन जाए। अब आपको मोल्ड पे प्रोवाइड किया दोनों हैंडल को पकड़ के मोल्ड को वर्टिकली रेज करना है। याद रहे आपको कोई लैटरल या टॉर्शनल फोर्स को वहां पे नहीं लगाना है, यानी कि ना ही कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगना चाहिए और ना ही मोल्ड को घुमा घुमा के उठाना है। एकदम वर्टिकल ऊपर की तरफ पुल करना है और इस पुल को करते वक्त आपको स्टॉप वॉच चालू रखना है और ये पुल आपको 3 से 7 सेकेंड्स के अंदर में पूरा कर लेना है। एक्चुअल टाइम है पुल करने का एज पर आईएस कोड 5 सेकेंड्स, टॉलरेंस है प्लस माइनस 2 सेकेंड्स का। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि मोल्ड में कॉन्क्रीट सैंपल प्लेसिंग से लेके मोल्ड लिफ्टिंग तक के प्रोसेस को 180 सेकेंड्स के अंदर में कंप्लीट कर लेना है एज पर आईएस कोड, यानी कि 3 मिनट में। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं आईएस कोड के 1199/2018 के क्लॉज नंबर 4.3.3.M पॉइंट को। जैसे ही आप मोल्ड को वर्टिकल पुल करके उठा लेते हैं आपको जल्दी से स्लम वैल्यू चेक कर लेना है स्केल की मदद से। आपका स्लम वैल्यू होगा मोल्ड के टॉप से कॉन्क्रीट के टॉप का जो मेजरमेंट आएगा, जैसे कि आप यहाँ पिक में देख रहे हैं। इसका स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर करने का मिलीमीटर में, यानी कि mm में। अब आपको ये चेक करना है कि जो आपका स्लम वैल्यू निकला है उसे हम कंसिडर करेंगे या नहीं, तो आप यहाँ इस पिक्चर को देखिए। जब आप साइट पे स्लम टेस्ट कर रहे होंगे तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। हम रिजल्ट को वैलिड तभी मानेंगे जब आपका रिजल्ट ट्रू स्लम जैसा रहेगा, जो कि आप 3A वाले पोर्शन में देख रहे हैं।
अगर आपके सैंपल का शेप 3B या 3C जैसा है, यानी कि शेयर जैसा दिख रहा है या कोलैप्स हो गया है, तब यह रिजल्ट वैलिड नहीं होगा और आपको वापस से टेस्ट को परफॉर्म करना होगा। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन स्लम्प टेस्ट का एज पर लेटेस्ट IAS कोड 1199/2018 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज डिटेल में समझ आई होगी। अब चलिए आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का सवाल है आप लोग के लिए कि मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट स्लम टेस्ट एज पर लेटेस्ट IAS कोड 1199। IAS कोड 1199 के हिसाब से मैक्सिमम टाइम क्या है स्लम टेस्ट को कंप्लीट कर लेने का, यानी कि मोल्ड में कॉन्क्रीट को फिलअप करते वक्त और जो हम लोग मोल्ड को पुल करते हैं तब तक के टाइम में कितना मैक्सिमम लगना चाहिए। तो ऑप्शन है 60 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, 180 सेकेंड्स, या जितना जल्द हो सके उतना जल्द खत्म कर दो। तो एज पर IAS कोड आपको जवाब देना है। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका जवाब जरूर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप लोगों को बता दूंगा। और जिन्हें IAS कोड 1199/2018 पार्ट 2 का PDF चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मैंने डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दिया है। या आप मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.learningtechnologyofficial.com। वहां भी आपको बहुत सारे लेटेस्ट IAS कोड के साथ साथ इंटरव्यू के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे। और यही खत्म नहीं होता, मुझे आप इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहां डालना पॉसिबल नहीं होता है, वो सब मैं इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे डाल देता हूं। आप वहां से ले सकते हैं सभी चीजें। सभी सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।